सेगांव के सचिव को लापरवाही बरतने पर जारी होगा शोकॉज़ नोटिस। जनसुनवाई में आई शिकायतों का समय सीमा में नहीं किया गया निराकरण तो सचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए लिखेंगे वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र। पंडित महामना स्कूल के रास्ते पर फैल रही गंदगी को लेकर स्कूल संचालक द्वारा की गई शिकायत पर बोले नायब तहसीलदार राकेश बर्ने, समय सीमा में समस्याओं को निराकरण नहीं होने पर पाठक ने जन सुनवाई पर भी लगाया सवालिया निशाना। मौके पर पहुंचे सचिव ने शोकेस नोटिस पर दिया अपना स्पष्टीकरण। मुख्यालय पर आज जनपद सभागृह में तहसील स्तरीय जन सुनवाई की गई, जिसमें नगर के पंडित महामना स्कूल संचालक संजीव पाठक और प्राचार्य श्रीमती नीना पाठक द्वारा स्कूल मार्ग पर परसी गंदगी को लेकर एक बार फिर से आवेदन देकर यह गुहार लगाई है कि स्कूल के आसपास फैली गंदगी से स्कूल में अध्ययन के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को आने जाने में परेशानियों पर परेशानियां होती रहती है। पाठक द्वारा नायब तहसीलदार राकेश बर्ने को यहां भी बताया गया कि इस संबंध में यह तीसरा आवेदन है। पूर्व में दिए गए आवेदनों का आज तक कोई ठोस निराकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्होंने जन सुनवाई पर भी सवालिया निशाना खड़ा किया। उधर जब इस संबंध में नायब तहसीलदार राकेश बर्ने से बात की गई तो आवेदन को लेकर सचिव को समस्या से अवगत करा दिया गया था, परंतु सचिव द्वारा लापरवाही की जा रही है, जिसको लेकर उन्हें शोकॉज़ नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा, यहां कहा राकेश बर्ने ने। मौके पर पहुंचे सचिव संतोष राठौर द्वारा शोकॉज़ नोटिस जारी करने की बात पर नायब तहसीलदार बर्ने को अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस समस्या को प्राथमिकता से लिया गया है और जल्द ही फैली गंदगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में संवाददाता संतोष गोयल की रिपोर्ट। इस बात को लेकर आप आज जन समस्या शिविर में आए हैं? हम लोग मतलब कई महीनों से यहाँ पे जन सुनवाई में आ रहे हैं। मेरी स्कूल है, प्राइवेट संस्था चलाती हूँ मैं। वहाँ पर समस्या ये है कि गांव का पूरा जो पानी है गंदगी वाला, वो पूरा मेरी स्कूल मैदान में आकर पूरा जमा हो गया है। इसके वजह से बच्चों को आने जाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग कई बार जन सुनवाई में आए लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी आज हम लास्ट बार आए हैं यहाँ पर कि हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। कितने आवेदन दे चुके हैं आप तक? कम से कम 3 से 4 आवेदन हम लोग दे चुके हैं। क्या कहना पड़ता अधिकारियों का? अभी सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, इससे आगे कुछ भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। आज दिनांक को हमने एक आवेदन दिया है माननीय तहसीलदार महोदय पटलकर, माननीय MBO साहब हुए थे यहाँ पर, और राजस्व अपने पंचायत निरीक्षक PCO भी हैं यहाँ पर। इन तीनों को एक आवेदन दिया आगे का कि समस्त अधिकारी मौके पर स्वयं जाके निराकरण उसको देखे स्थिति को और फिर निराकरण करें। इस संबंध स्थिति में आगे क्या आपके द्वारा करने का बनाया गया मन आगे की कार्रवाई जो भी इसके उचित एक तरह से पूरी मजाक होती जा रही है। खरगोन जिले में जहाँ कलेक्टर महोदय पटल पर बैठकर तुरंत निराकरण करते हैं समस्याओं का, यहाँ जनपद पंचायत सेगांव में जन सुनवाई में ये देखने में आया है कि आवेदन को लेकर फाइल में रख दिया जाता है, न पटल के अधिकारियों के द्वारा संबंधित विभाग को जिससे संबंधित सूचनाएँ दी जाती है, जैसे ग्राम पंचायत सेगांव से हमको ये समस्या हो रही है, उनके द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं संजीव पाठक नाम लिख रहा हूँ। और आज ये जन सुनवाई में क्या मामले हैं इनका? वो थोड़ा नाली गंदगी को लेकर हैं, नाली में वो कोई अवरुद्ध कर दिया है, उसको लेकर आवेदन दिया था। सचिव को हमने पत्र भी दिया था, स्थल निरीक्षण करके स्थल मुआयना करके पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उसने नहीं दिया है, तो उस पास हम शोकॉज़ नोटिस दे रहे हैं। इसके बाद हाँ, इनका आरोप ये है कि पिछले 3-4 आवेदन दे चुके हैं और आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, केवल कागजी कार्रवाई बन के वो आवेदन हमारे रह जाते हैं। देखो उसमें क्या कहेंगे हम? जैसे आवेदन आया था अपन ने तो सचिव को दे दिया था। सचिव जो है, सचिव की तरफ से लापरवाही हो रही है। सचिव का कहना ये है कि पहले एक बार हो चुका है तो हम वापस उसको पत्र दिए थे, जो आवेदन आया था मूल आवेदन दोबारा दिया है उन्होंने, उसके आधार पर हमने वापस से जवाब मांगा उसका स्थल निरीक्षण, वो नहीं दिया है, इसके बाद हम उसको शोकॉज़ नोटिस दे रहे हैं, नहीं तो उसके खिलाफ अनुशासन जैसे कि जन सुनवाई में शासन का सख्त निर्देश है कि त्वरित निराकरण होना चाहिए आज का आज,
और यहाँ प्रायः यह देखा गया है कि जो आवेदनकर्ता आते हैं अपन आवेदन उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिस भी विभाग का आवेदन आता है हम वहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको शाम तक उसका निराकरण होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? देखो शिकायतें क्या हैं, शिकायतें अनेक प्रकार की होती हैं, उसमें जैसे कुछ जो शिकायत का समाधान तुरंत त्वरित हो सकता है उसको अपन तुरंत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ बैठ के करते भी हैं। लेकिन ऐसा मान लिया जाता है ना, ऐसा मान लिया दिया जाता है कि जिस विभाग की शिकायत है उस विभाग में फॉरवर्ड कर दी जाती है और बता दिया जाता है कि इसका निराकरण हो चुका है, जबकि होता नहीं है। यहाँ पे सब विभाग प्रमुख बैठते हैं, जो काम जिस समस्या जिस विभाग की समस्या है वो उस विभाग प्रमुख द्वारा ही होगा, दूसरा विभाग जाके इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट वीक में अपन उस चीज को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका फॉलो करते हैं लेते हैं। तो अभी जैसे ये जो महामना का आया इसका क्या फॉलो किया आपने, पिछले तीन आवेदन ये दे चुके हैं, इसका अपन ने उसको पत्र दिया था, फिर वो ज्यादा ही लापरवाही है उसकी, तो अब देख आज उनकी लापरवाही है, सचिव जो अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है, उसका कहना है कि वो देर ओरली बोल रहा है वो, जबकि यहाँ पे आवेदन वो उसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, आज और हम सो का नोटिस दे रहे हैं, अदरवाइज आज नहीं देता है, टाइम लिमिट देंगे हम, नहीं तो फिर वरिष्ठ महोदय के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे।